नमस्कार दोस्तों, 1997 बीक्यू नाम के इस उल्का पिंड के बारे में आपको इस वीडियो में संपूर्ण और एकदम सटीक जानकारी मिलेगी। आपको बता देता हूँ, ये उल्का पिंड जो पृथ्वी की तरफ 11.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आ रहा है, अर्थात एक सेकंड में 11.6 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। लगभग इसकी जो चाल है, इसका जो वेग है, वो 42,000 किलोमीटर प्रति घंटा बताया जा रहा है। दोस्तों, बात करेंगे कि क्या ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकराएगा। तो दोस्तों, अभी इसके खतरा के बारे में कोई विशेष जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा अलर्ट जारी जरूर किया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये उल्कापिंड 61,56,666 किलोमीटर दूरी से होकर गुजरेगा। इतनी इसकी तीव्र गति के कारण इस जो पृथ्वी पर घटने वाली घटना है वो सुनामी हो सकती है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथ में वीडियो को कर दीजिए लाइक। दोस्तों, उल्का पिंड और पृथ्वी के मध्य काफ़ी दूरी है वैज्ञानिकों के अनुसार, लेकिन फिर भी इसकी तीव्र गति के कारण वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस उल्का पिंड के बारे में। तो ये उल्का पिंड है जो ईटी के अनुसार, यानी कि ईस्टर्न टाइम के अनुसार, ये जो उल्का पिंड है पृथ्वी के नज़दीक शाम 4:45 पर गुजर जाएगा। अब दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये भारतीय टाइम के अनुसार नहीं है, ईस्टर्न टाइम के अनुसार है। भारतीय टाइम और ईस्टर्न टाइम में 9.5 घंटे का अंतर होता है, इसलिए भारतीय टाइम है जो 9.5 घंटे आगे चलता है ईस्टर्न टाइम से। तो भारतीय समय के अनुसार ये रात्रि को गुजरेगा और रात्रि को ये 2:15 पर गुजरेगा। दोस्तों, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी आज इस उल्का पिंड के बारे में। आपको बता देता हूँ, इस उल्का पिंड का आकार 1 किलोमीटर से अधिक बताया जा रहा है, और ये उल्का पिंड है जो सूर्य के चारों ओर 844 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी कि लगभग 2.31 वर्ष में ये सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा कर लेता है। और यही स्थिति सूर्य के चारों ओर चक्कर होने के कारण पृथ्वी के साथ कई सालों में जाकर बनती है। बताया जा रहा है कि ऐसा पहला एस्ट्रॉइड है या पहला उल्का पिंड है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें चमक है। अब तक जितने भी एस्ट्रॉइड आए उनमें अंधेरा, अंतरिक्ष में वो कम दिखाई देते, लेकिन इस एस्ट्रॉइड के बारे में कहा जा रहा था कि इसमें स्वतः ही चमक उत्पन्न होती है, और यदि इसके चमक और प्रकाश को मिला दिया जाए तो इसका आकार है जो 2,737 किलोमीटर का हो जाता है, जिसका आकार जो अमेरिका के गोल्डन गेट ब्रिज के बराबर बताया जा रहा है। अब बात करते हैं कि ये उल्का पिंड है जो इस समय कितनी दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों की ताज़ा खबर के अनुसार ये जो उल्का पिंड है इस समय 1,22,04,666 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महज ये 6 दिन में 42,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 7,48,000 की किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, और जब इसके पास जो शेष दूरी बचेगी पृथ्वी और उल्का पिंड के मध्य, वो बचेगी 61,56,666 किलोमीटर। ये वो दूरी है जिससे उल्का पिंड है जो पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं इस उल्का पिंड के बारे में। क्या इस उल्का पिंड को नष्ट किया जा सकता है? क्या इस उल्का पिंड से पृथ्वी को कितना खतरा होगा? दोस्तों, बता देते हैं, अभी तक इसका खतरे के बारे में कोई रूबरू नहीं हुआ है, वैज्ञानिकों ने कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये कहा है कि ये उल्का पिंड है जो पृथ्वी से काफ़ी दूरी से होकर गुजरेगा। बस इसके बारे में अभी रिसर्च और इसकी गति और इसके आकार के बारे में अभी भी जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसकी एक सिस्टम है जिसको अपन एटलस सिस्टम कहते हैं, जो कि अमेरिका की हवाई यूनिवर्सिटी में स्थित है। इस एटलस सिस्टम के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें दूरबीनों का माजाल है, और इन्हीं दूरबीनों के माध्यम से इन उल्का पिंडों के बारे में जानकारी रखी जाती है। अब इस उल्का पिंड के बारे में बताया जा रहा है, यदि इससे ज़्यादा खतरा संभावित हुआ तो इस उल्का पिंड को रास्ते में हम नष्ट कर सकते हैं। इसके लिए नासा है तो पूरी तरह तैयार, पहले भी इस प्रकार के प्रयोग कर चुका है। अब दोस्तों, यह कन्फ्यूजन एक थोड़ा ये हो रहा है कि यदि बाई चांस इसका जो प्रकाश है वो थोड़ा वैज्ञानिकों को अचरज में डाल रहा है प्रकाश की वजह से। अच्छा, एटलस सिस्टम ने इसको जो ख़त्म करने के 2 रास्ते बताए हैं। एक तो ये है कि इस पर अंतरिक्ष यान छोड़कर इसके टुकड़े टुकड़े किए जाएं, या फिर इसका रास्ता बदल दिया जाए। दूसरा तरीका जो एटलस सिस्टम ने बताया है वो है कि इस पर अंतरिक्ष यान के माध्यम से एक ऐसा
बम घातक बम फेंके जाए जिससे इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। लेकिन दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है, एक वैज्ञानिक जो है उसका अलग ही कहना है, उन्होंने बताया है कि ये इतनी तीव्र गति से पृथ्वी की तरफ आ रहा है, बाय चांस हम इसे टुकड़ों में बदलना चाहते हैं या इसके टुकड़े टुकड़े करने चाहते हैं तो ग्रेविटेशनल यानी कि तेज गुरुत्वाकर्षण के कारण ये टुकड़े हैं जो फिर से जुड़ सकते हैं। लेकिन वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि जब इसमें ये तीव्र गति से अगर पृथ्वी की तरफ आएगा तो इसमें विस्फोट होगा और ये स्वतः भी नष्ट हो सकता है। अब दोस्तों कौन सी स्थिति और कौन सी कंडीशन वैज्ञानिकों के अनुसार कन्फर्म अभी नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इसके बारे में पूर्ण खुलासा कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता देता हूँ, इसे 29 अप्रैल को जो उल्का पिंड गुजरा था 1998 OR2 नाम का, उससे भी ये बहुत ही खतरनाक इसलिए ही बताया जा रहा है, बस इसमें प्रकाश और उसकी जो गति है उससे पहले वाले उल्का पिंड से काफी। दोस्तों अपने इस बात पर विश्वास रखिए, ये उल्का पिंड भी पहले वाले उल्का पिंड की तरह ही गुजर जाएगा, ये मुझे अपने इस बार पर पूर्ण